हेलो एवरीवन, इंडियन जीके में अपन आज सबसे पहले पढ़ रहे परमार वंश। परमार वंश पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन चंदेल वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं परमार वंश। मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ा चुका मैं, ठीक है। इंडियन जीके में मैंने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा चुका मैं, सारी इसकी डिटेल पढ़ा चुका मैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा अभी भी तो वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको इजीली और समझ में आएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि परमार वंश कहाँ फैला होता है, यानी अगर अपन देखें तो इनकी जो सर्वप्रथम राजधानी थी, जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। राजधानी क्या थी? उज्जैन। यानी प्रथम जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, यानी उस समय उसका इसका नाम क्या था? अवंतिका नाम था पहले इसका, ठीक है ना। तो उस समय क्या था, सबसे पहले जो राजधानी थी इसकी क्या थी? सर्वप्रथम क्या राजधानी थी? उज्जैन। बाद में इनकी राजधानी क्या चेंज हो गई? धारा। यानी दोनों ये क्या पढ़ते? मध्य प्रदेश में पढ़ते। तो धारा जो जगह है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर अपन मैप के अकॉर्डिंग समझे तो ये जैसे मान लो ये अपना राजस्थान हो गया है, और राजस्थान के पास में अपना क्या है? मध्य प्रदेश है। इसमें ये उज्जैन है, उज्जैन के पास में ही धारा है, ठीक है। धारा एक जगह है। तो सर्वप्रथम जो राजधानी थी वो सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? उज्जैन वाली थी, ठीक है। सर्वप्रथम उज्जैन वाली राजधानी थी। और दूसरी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? धारा, ठीक है। वो धारा कब बनी तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर इसे देखे अपन तो परमार वंश का जो संस्थापक था, वो कौन था? उपेंद्र या कृष्णराज। परमार वंश का संस्थापक अधिकतर पूछ लेते एग्जाम में, वो कौन था? उपेंद्र, ठीक है। कौन था? उपेंद्र, या इसको कृष्णराज भी बोलते हैं, यानी कुछ ग्रंथों में इसका नाम कृष्णराज भी मिला है, ठीक है। आप ये से याद रखें कि उज्जैन अपनी राजधानी थी, उसे उज्जैन, उसे उपेंद्र, नाम ज्यादा फेमस था उपेंद्र, ठीक है। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इतना कुछ काम नहीं करा था, ये राजपूतों के सामंत थे, यानी राजपूतों के मतलब ये कह सकते हैं अपन अधीन थे। जो दक्षिण के क्षेत्र में जो राजपूत वंश था उनके क्या थे? ये अधीन थे, यानी कह सकते हैं अपन उनके क्या थे? ये सामंत। आप कह सकते हो परमार वंश किनके सामंत थे? तो आप कह सकते हो वो किनके थे? राष्ट्रकूट के थे, ठीक है। यानी वे इतने बलवान मतलब शासक नहीं था, जो उपेंद्र थे, जो वो उनके अधीन थे, उनके अकॉर्डिंग काम करते थे, ठीक है ना। इसके बाद जो आया था शासक, वो आया था सेकंड जो आया था वो आया था सीयक, या अपन कह सकते हैं ज्यादा जो नाम फेमस हुआ श्री हर्ष नाम से फेमस हुआ। किस नाम से फेमस हुआ? श्री हर्ष से। इसने बहुत अच्छा काम किया था, इन्होंने जो किया था इनसे आजादी ली थी, यानी खुद का अपना मतलब राज्य चलाया, उन्होंने अपना शासन चलाया, यानी इनसे वो क्या करा? श्री हर्ष ने बहुत अच्छा काम किया था, ये बड़ा बलवान था, सामर्थ्य था इनका, तो इनसे एक तरह से इनसे क्या मिल गया? उनको स्वतंत्रता मिल गई, यानी इनसे क्या हो गए? वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है ना। यानी अपने वीरता के कारण इनसे स्वतंत्र हो गए और वो अधीन नहीं रहे। तो आप कह सकते हो श्रीयस क्या थे? स्वतंत्र राज्य बनाने वाला शासक था। ठीक है। श्री हर्ष, देखो नाम से पता चलता है कि इसमें इतना हर्ष उल्लास था, इतना ताकतवर था कि वो इसको डरता नहीं था किसी से वो, और उन्होंने राजपूत से अपना क्या करा? अधीनता हटा ली थी, ठीक है। यानी अपन कह सकते हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई, यानी इन्होंने पूरा अपना मध्य प्रदेश में अपना साम्राज्य का विस्तार करा, और छोटे छोटे वंश को जो जीतते गए,
ठीक है ना, यानी साम्राज्य विस्तार करे, बलवान शासक था। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो अपन अगर देखे तो सीएस ने जो विस्तार किया है तो परमार वंश का संस्थापक तो उपेंद्र कहलाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, अगर हर्ष के अपन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन है वास्तविक संस्थापक? हर्ष होगा। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, परमार वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन होगा? हर्ष। ठीक है, यानी खुशी खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी खुशी से उसने देखो कितना काम कर दिया, वास्तविक संस्थापक ही बन गया। ठीक है ना, और स्वतंत्र भी करा दिया अपने राज्य को। ठीक है, ध्यान रखना दूसरी राजधानी अभी नहीं बनी, अभी तो उज्जैन ही है राजधानी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखो श्री हर्ष का जो दत्तक पुत्र है, यानी उसकी कोई संतान नहीं थी और उसका उसने क्या करा गोद लिया। तो दत्तक पुत्र वो कहलाता है जिसे गोद लेते हैं। ठीक है ना, तो दत्तक पुत्र जो था वो कौन था? मुंज था। ठीक है, वाक्यपति मुंज। आप इसको मुंज से नाम से ज्यादा फेमस है, मुंज से हुआ तो आप मुंज से इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मुंज से अपन दे सकते हैं कि ये अपने साम्राज्य को फैलाने में पूरे मजे हुए थे। मजे हुए मतलब कहने का मतलब है वो साम्राज्य को विस्तार कर सकते थे। ठीक है ना, यानी हर वर्ग को कर सकते थे। तो इसमें इसने देखो दो शासक उनको हराया है। एक तो कलचुरी के शासक को हराया है। ठीक है, यानी कलचुरी शासक युवराज को हराया था, युवराज सेकंड। ठीक है, और दूसरा था चालुक्य शासक तेलप सेकंड, इसको हराया था। ठीक है, तेलप सेकंड इसको हराया था, यानी दो शासकों इन्होंने हराया था जो बड़े बलवान थे। तो इन शासकों को हराने का कार्य किसको जाता? मुंज को जाता है। ठीक है, मुंज ने ये कार्य किया था, दत्तक पुत्र था। ठीक है, तो इन्होंने इन दो बड़े शासक को हराया था, एक तो कलचुरी शासक युवराज और चालुक्य शासक तेलप। ठीक है, ये ध्यान में को रखना है। ठीक है, मतलब ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो चालुक्य तेलप द्वितीय है, ये मुंज से कम 6 बार लड़ा, 6 बार युद्ध करा और 6 बार हारा। यानी ये कहते हैं कि इसकी 6 बार हार हुई है। यानी मतलब जब भी वो बस इनका एक था कि तेलप का ये था कि मुझे जीतना ही इनसे, पर वो जीत नहीं सका। ठीक है, यानी वाक्यति मुंज ने तीन ग्रंथ लिखे जो दत्तक पुत्र है। तीन ग्रंथ इनके काल में तीन जो थे महान व्यक्ति थे, धनिकता, परमगुप्तता और धनिजेता। इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे थे। जो धनिक ने जो ग्रंथ लिखा था वो यशो रूपावलोक लिखा था। ठीक है, और परमगुप्त ने लिखा था नव सह संख चरित्र, और धनंजय ने लिखा था दश रूपम। ठीक है, ये तीन ग्रंथ महत्वपूर्ण थे। यानी आप कह सकते हो इस एक कवि के लिए भी, मतलब कवियों को भी जगह दी इन्होंने। ठीक है, उनको शरण दी उनको, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, आगे समझ में, यानी इतना काम इसने मुंज ने किया है। दो बड़े शासक को हराया, कलचुरी के युवराज सेकंड और चालुक्य के तेलप। इस तेलप को 6 बार हरा चुके हैं ये, कि आप देख सकते हो कि कितना बलवान था ये। ठीक है ना, यानी हर्ष के नक्शे कदम पर चला, हर्ष का ये दत्तक पुत्र था, गोद लिया पुत्र था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो शासक बना है वो सिंधु राज बना है। यानी आप मुंज के बाद देख सकते हैं इसका शासक, इसके बाद शासक कौन बना है? सिंधु राज। ठीक है, सिंधु राज, इतना ज्यादा उपलब्धि नहीं थी सिंधु राज की। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं इसकी, इसको जो उपाधि मिली है, जैसे साम्राज्य विस्तार में इसका कोई उपाधि नहीं थी, पर इनको जो उपाधि मिली वो देख लेते हैं। दो उपाधि है इसकी, यानी इसको जो उपाधि मिली है, एक तो कुमार नारायण की उपाधि मिली है, और दूसरी है साहसांक उपाधि मिली है। साहसांक की उपाधि मिली एक तो, ठीक है, और
कुमार नारायण की उपाधि मिली, दो उपाधि इसको मिली है, इतना कोई रोल नहीं था इसका। जो इसके बाद आ रहा है, जो इसके बाद आ रहा है शासक, वो है वो राजा भोज। अपन जैसे बोलते थे ना कि जो परमार वंश का तो जो राजा था ना भोज, किसने बहुत ज्यादा काम करा था, अपन कह सकते सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला परमार वंश का ये भोज ही है। ठीक है, अपन बोलते कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, तो वो इसी पर ही आधारित है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये परमार वंश का भोज है। एक मिहिर भोज है, वो अपना गुर्जर प्रतिहार का है, गुर्जर प्रतिहार का, उससे मत जोड़ना, ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो अपन देखे कि इसने जो राज किया था वो राज किया था 1000, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक, यानी इतने सालों तक इसने राज किया, तो आप देख सकते हो कि कितना बलवान शासक था ये। ठीक है ना, यानी 55 सालों तक इसने क्या करा था, राज करा था। ठीक है, अगर इसके पिता का नाम देखे तो पिता का नाम इसका सिंधु राज ही है, जो इनके पिता है। ठीक है, यानी ये इनके क्या है, पिता है सिंधु राज। ठीक है, राजा भोज के क्या है, पिता है सिंधु राज। ठीक है, और इसने चालुक्य, इसने चालुक्य के राजा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य सेकंड को हराया था, विक्रमादित्य सेकंड को हराया था, विक्रमादित्य सेकंड को हराया था। ठीक है, और एक और मिलता है कि इसने जो राजधानी, राजधानी जो उज्जैन थी उसकी जगह राजधानी क्या बना दी, धार को राजधानी बनाई, यानी दो राजधानी थी तो राजधानी धार बनाने वाला कौन है, वो है अपना राजा भोज, परमार वंश का भोज। ठीक है, ये ध्यान रखना, चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड को भी हराया और राजधानी धार को बनाया। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए धार नगरी को बसाने वाला कौन शासक है, तो वो भी क्या है, इस तरह से पूछ ले, धार नगरी को बसाने वाला शासक कौन सा है, तो वो कौन होगा, राजा भोज। ठीक है, आगे समझ में, चलिए इसकी अपन देख लेते हैं। इसने एक अच्छा, इसको भोज को कविराज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राजा भोज को अपन किस उपनाम से जानते हैं, कविराज भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कविराज नाम से भी जानते हैं इस राजा भोज को। ठीक है, और इसको मतलब एक तरह से ये इसकी क्या उपाधि है, एक तरह से क्या है इसकी, ये उपाधि है कविराज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, कविराज इसकी क्या उपाधि है, यानी कविराज भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये केवल एक ही, इसका एक ही मतलब कह सकते हैं कि हार थी, वो देख सकते चंदेल वंश का जो शासक था, चंदेल वंश का जो शासक था विद्याधर, उससे हार गया था ये। ठीक है, विद्याधर से हार गया था ये। ठीक है, विद्याधर से हार गया था ये, चंदेल वंश का जो शासक था उससे हार गया था ये, बस एक ही कमी थी इसमें, बाकी उसने उपाधि, जैसे मंदिर जो बनाए वो देख लेते क्या कौन से मंदिर बनाए। ठीक है, तो मंदिर देखते अपन, मंदिर एक तो केदारेश्वर, यानी एक मंदिर बनाया जिसका नाम क्या, केदारेश्वर, केदारेश्वर। ठीक है, केदारेश्वर मंदिर बनाया। दूसरा जो मंदिर देखते अपन, सोमेश्वर का मंदिर बनवाया, यानी आप देख सकते हो कितने भक्ति में ये लीन था, जो इनके धार्मिक में कितना लीन था, जो मंदिर कितने बना रहा, जैसे सोमनाथ का मंदिर बनाया। ठीक है, चौथा अपन देखे तो रामेश्वर का मंदिर बनाया, यानी चार मंदिरों का इसने क्या करा, निर्माण किया है। ठीक है, आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट लेते अपन चंदेल वंश। ठीक है, इंडियन जीके में कौन सा ले रहे अपन, चंदेल वंश, चंदेल वंश। अगर अपन देखे चंदेल वंश का अगर उदय हुआ, वो उदय कहां पर हुआ, वो उदय हुआ है बुंदेलखंड। ठीक है, उनका जो उदय हुआ, यानी अपन कह सकते हैं कि उनका जो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करा, यानी जो क्षेत्र था, जो क्षेत्र था वो क्या था, बुंदेलखंड। ठीक है ना, यानी चंदेलों का उदय हुआ, यहां पर अपन कह सकते हैं चंदेलों वंश का उदय हुआ। ठीक है, उदय हुआ। ठीक है, यहां से उन्होंने अपना क्षेत्र
स्टार्ट कराए, यानी सबसे पहले इन्होंने अपने किसको राजधानी बनाया, खजुराहो को बनाया, यानी बुंदेलखंड के अंदर जो क्षेत्र है खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो को इन्होंने क्या करा है, खजुराहो को राजधानी बनाया है। ठीक है, राजधानी बनाने वाला अगर अपन देखे तो वो प्रथम शासक कौन था, जो प्रथम शासक था वो था नन्नुक, नन्नुक, ठीक है, नन्नुक प्रथम शासक था जिन्होंने क्या करा, खजुराहो को अपने क्या करा, राजधानी बनाया। ठीक है, अगर अपन याद करें तो जैसे नन्नू, जैसे अपन होते कोई छोटे बच्चों को कहते हैं, तो नन्नू ने क्या करा है कि उसने खजूर खाने की जिद करी है। ठीक है, खजूर खाने की जिद करी है, पर वो कहां मिलेगा, बुंदेलखंड मिलेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो, जो पहला शासक था वो बुंदेलखंड का था, वो नन्नू था, एक बच्चा था, नन्नू था, जिसने खजूर खाने की जिद करी, यानी राजधानी किसको बनाया, खजूर को। इस तरह से अपन इसको सोच सकते, ट्रिक बना सकते। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये जो चंदेल थे, चंदेल थे ये किसके पतिहा, मतलब किसके सामंत थे, यानी किसके अधीन थे, चंदेल जो कह सकते अपन किसके अधीन थे। ठीक है, अधीन थे, किसके अधीन थे, वो थे प्रतिहारों के अधीन थे, यानी ये इसके क्या थे, सामंत थे, अपन कह सकते प्रतिहारों के क्या थे, प्रतिहारों के सामंत थे। ये याद रखना, ये इसके अधीन थे, सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत अगर आ जाए तो चंदेल किसके सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, जो प्रथम शासक था यानी इतना बलवान नहीं था, वो किसी के अंडर वर्क कर रहा था, यानी जो शासन चला रहा था वो किसके अंडर चला रहा था, प्रतिहारों के अंडर शासन चला रहा था। ठीक है, जो इनका चंदेल वंश का जो, यानी अगर अपन देखें नन्नू के बाद जो शासक आया, जो सही शासक आया वो कौन था, हर्ष, वो शासक कौन था, हर्ष। अब देखो हर्ष ने एक अपना काम जो किया है, यानी पतियारों से लगभग पतियारों से स्वतंत्र करवाया, पतियारों से अपने वंश को क्या कराया, उसने स्वतंत्र करवाया, वंश को स्वतंत्र करवाया। ठीक है, स्वतंत्र करवाया, ठीक है, पतियारों से अपने वंश को क्या करा दिया, स्वतंत्र करा दिया हर्ष ने। अगर अपन इसका जीवन काल देखे तो जीवन काल था, मतलब उसने जो राज्य किया था, यानी शासन किया था, 900 से 925 ईस्वी तक इसने अपना शासन किया था। ठीक है, इस चक्कर में अगर पतियारो वंश से इसने अपना मतलब स्वतंत्र कराया था, इसलिए उसको जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि दी थी परम भट्टारक, परम भट्टारक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यानी लोग उनको परमेश्वर मानने लग गए, परम से याद रखना, क्योंकि उसने स्वतंत्र कर दिया अपने पूरे राज्य को, लगभग स्वतंत्र कर दिया, शक्तिशाली राजा था ये हर्ष। तो इस तरह से याद रखना परम, क्यों, क्योंकि परमेश्वर मानने लग गए, इस तरह से ट्रिक बना रहा हूं मैं, तो इसको क्या बनोगे, परम भट्टारक की उपाधि मिल गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आ रहा है, यशोवर्मन आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक होगा वो यशोवर्मन होगा। देखो इसके बाद जो शासक आ रहा, बलवान शासक, यशोवर्मन आ रहा है, यशोवर्मन जो शासक आ रहा है। ठीक है, इसको लक्ष्मण वर्मन भी बोलते हैं, यशोवर्मन को लक्ष्मण वर्मन भी नाम से पुकारा जाता है। अगर इसका कार्यकाल देखें तो 930 से 950 ईस्वी तक है इसका कार्यकाल। ठीक है, इसने सबसे एक अच्छा फेमस खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर बनाया, खजुराहो के अंदर खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर, यानी प्रसिद्ध मंदिर का नाम है चतुर्भुज का मंदिर। ठीक है, चतुर्भुज का मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज का मंदिर। तो चतुर्भुज का प्रसिद्ध मंदिर बनाया जो बहुत फेमस है। ठीक है, कहां पर, खजुराहो में। और इसने देखो कितनी उपाधि दी, देखो कहां कहां इसने विजय हासिल करी, एक तो मालवा के विजय हासिल करी इसने, ठीक है, मालवा, फिर इसने जो विजय हासिल करी वो चेदी, दूसरी जगह है चेदी,
तीसरी जगह है मध्य, ठीक है, और चौथी जगह है कौशल। यानी इनको तीनों जगह पर, चारों जगह पर इसने जीत हासिल करी, यानी इसने अपना क्या करा, जो साम्राज्य है उसका विस्तार करा है, ठीक है ना। और जो राजधानी बनाई इसने, ठीक है, अगर अपन देखें राजधानी बनाई तो राजधानी कहां बनाई इसने, राजधानी बनाई इसने महोबा, ठीक है, कहां राजधानी बनाई, महोबा राजधानी बनाई, ठीक है। और एक और मिलता है इसमें यशो वर्मन का, एक और मिलता है इसने गुज्जर प्रतिहार, यशो वर्मन का एक और मिलता है गुज्जर प्रतिहार, यानी पतिहार वंश का जो शासक था, पतिवार वंश का शासक था वो था देवपाल, देवपाल को हराया इसने, ठीक है। क्योंकि अब देखे तो अपन जब देवपाल के समय में इनकी पतियार वंश की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगी, यानी पतन का दौर स्टार्ट होने लग गया था, यानी जो महेंद्रपाल के बाद है, मंदेरपाल को फर्स्ट के बाद इनका पतन स्टार्ट होने लग गया, तो जब देवपाल था उसको यशो वर्मन ने क्या करा, हराया। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज का मतलब है जिसमें चार भुज हो, यानी चार, देखो चार या चतुर्थ से अपन चार भी ऐसे भी देख सकते, चार जगह इसने क्या विजय हासिल करी, ठीक है। अपन देखे तो अपन ने कैसे याद कर सकते हैं, इसने देखो ऐसे कर सकते हैं अपन ने, देखो इसने क्या करा, माल खाया यानी मालवा, माल खाया यानी मालवा, ठीक है, ठीक है ना। देखो माल खाया तो उस पर जैसे क्या थी चांदी की, जैसे क्या होता है मिठाई पर क्या होती है चांदी की वो लगी हुई रहती है, तो चांदी की, चांदी का माल खाया, ठीक है, इतना खुश हुआ, ठीक है ना, तो इतना खुश हुआ कि मद्यपान भी करने लगा, ठीक है ना, इतना खुश हुआ, कौशल मतलब खुश हुआ कि मद्यपान भी करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये जीते, ठीक है। यशो वर्मन के बाद जो राजनेता आया था वो धंग देव आया था, क्या नाम था, धंग देव, ठीक है। यानी जब ये आया था धंग देव तो सब दंग रह गए, यानी कह सकते इतना बलवान शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था ना चंदेल वंश का, वो धंग देव ही था, यानी जो वास्तविक स्वतंत्रता बोलते हैं ना अपन, वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने वाला, वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने वाला, ठीक है, का वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने वाला शासक कौन था, वो था धंग देव, ठीक है। यानी जो धंग देव था बड़ा बलवान था, शासक था, इसने वापस क्या खजुराहो को राजधानी बनाया, ठीक है, खजुराहो को क्या करा इसने, खजुराहो को राजधानी बनाया, ठीक है। यानी वापस जो खजुराहो महोबा को जो राजधानी बनाई थी उसने वापस किसको बनाई राजधानी, खजुराहो। यानी अगर आप ट्रिक बनाओ तो धंग, यानी दंग रह गए सब, दंग रह गए, यानी इतना इसने विस्तार करा अपना और वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने वाला व्यक्ति, यानी इतने खजूर खाए इसने, अगर ट्रिक बनाना चाहो तो इतने खजूर खाए कि उसने अपना साम्राज्य का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया और वास्तविक संस्था स्वतंत्रता हासिल करी, ठीक है, और खजुराहो को क्या कर लिया उसने, राजधानी बना ली, ठीक है। अब देखो अपन इसको, इसकी उपाधि देखे, अगर उपाधि देखो तो देखो इसको क्या सबसे बड़ी उपाधि में कहलाती है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि मिली इनको, यानी सब इसको क्या बोलने लगे, महाराज, महाराजा बोलने लगे और महाराजा धीराज की उपाधि मिली इसको, ठीक है। यानी इसका कह जाते हैं कि इसने 100 साल तक अपना वंश चलाया था, 100 साल तक अपना क्या चलाया था उसने, वंश चलाया था, ठीक है, इतना लंबा मतलब इसने कहते हैं कि 100 साल तक ये जीवित रहा था, मतलब सॉरी 30 साल तक ये जीवित रहा था और अपना वंश लंबे समय तक चलाया था उसने, ठीक है ना। अब देखो इसने, इसके अपन मंदिर देख लेते, जो मंदिर बनाया, जो फेमस मंदिर है वो मंदिर देख लेते अपन, जैसे पहला जो फेमस मंदिर है, अब जो इतना फेमस हुआ तो मंदिर भी बनाएगा, नेचुरल है, ठीक है ना। तो देखो मंदिर बनाने वाला पहला विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ का मंदिर, यानी खुद फेमस हुआ है तो ऐसे मान लो कि विश्व फेमस हुआ तो धंग देव विश्व फेमस, तो विश्वनाथ का मंदिर बना दिया, ठीक है, ऐसे ट्रिक बना लो। वैद्यनाथ का मंदिर, वैद्यनाथ का मंदिर इसने बनाया, ठीक है, और एक जिननाथ का मंदिर, ठीक है, जिननाथ का मंदिर बनाया इसने, ठीक है, एक और मंदिर बनाया इसने जो फेमस हुआ है,
केदरिया महादेव का मंदिर, केदरिया महादेव का मंदिर इसने बनाया है, केदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। यानी इसे चार मंदिर बनाए, विश्वनाथ, वेदनाथ, जिननाथ और केदरिया महादेव का मंदिर। सब में तो नाथनाथ लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सब में नाथनाथ लगा हुआ है, विश्वनाथ, वेदनाथ, जिननाथ और केंद्रीय महादेव के मंदिर, चार मंदिर इसने बनाए हैं। अब देखो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आती रहती है, जो क्वेश्चन आता रहता है, तो ये तो मंदिर तो बनाया उसने, ये तो काम अच्छा काम किया। अब देखो एक काम अच्छा देव क्या कर रहा है, यानी इसको किसी ने मारा नहीं है, इसको किसी ने मारा नहीं, इसने समाधि ली है। देखो समाधि कहां ली इसने, जो समाधि ली है, जैसे मान लो यहां से क्या आई, यमुना आई और यहां से क्या आई, अपनी गंगा आई, ठीक है। गंगा यमुना का जो संगम हो रहा है, गंगा यमुना का जो संगम हो रहा है, वो कहां हो रहा, प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में हो रहा संगम, कहां हो रहा है, प्रयाग में, जो यूपी के अंदर है प्रयाग, वहां पर उसने वहां पर क्या लिए, जल समाधि ली है, उसने वहां पर क्या लिए, जल समाधि लिए। देखो जल समाधि लेना आसान काम नहीं है, अगर अपन देखे जल समाधि एक और शासक लेने वाला है, अगर अपन देखे नागभट्टदित्य, जो गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार में भी नागभट्टदित्य ने जल समाधि ली थी, ऐसे ही इसने प्रयाग के अंदर, यानी यूपी में प्रयाग में, जहां पर यमुना नदी और गंगा नदी, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है, वो कहलाता है प्रयाग, यानी प्रयाग में संगम होता है, वहां पर उसने क्या ली, जल समाधि ली है। तो इतना नेक काम किया इसने, और जो अपना समाधि भी ली, तो लोग बाग आज भी उनको याद करते थे उस समय, ठीक है। तो इसने दंग रह गए जब उसने जल समाधि रही, इस तरह से अपन याद कर सकते, ट्रिक बना सकते, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, उसका पुत्र था, ठीक है, इसका पुत्र आया गंडदेव, ठीक है ना, गंगा से याद रख लेना, गंगा में समाधि ली, इसलिए इसने नेक्स्ट शासक क्या हो गया, उसका पुत्र का नाम क्या रख दिया, गंडदेव रख दिया, ठीक है ना। इसका देखे तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते अपन। जब शाही वंश, जो शाही वंश था, शाही वंश का शासक था, शाही वंश का शासक था, शाही वंश का शासक था आनंदपाल, ठीक है, आनंदपाल था, उससे युद्ध जो करने आ रहा था ना, उससे युद्ध करना आ रहा था महमूद गजनबी, महमूद गजनबी, ठीक है। तब उसकी जो सहायता करी थी ना, सहायता करने वाला आनंदपाल की सहायता करने वाला, सहायता करने वाला कौन था, सहायता करने वाला था गंडदेव, ठीक है, गंडदेव महमूद गजनी से सिर्फ सहायता करने, यानी उसने क्या अपनी सेना भेजी इसकी सहायता के लिए, कि महमूद गजनी भी से बचा जाए। अगर इस तरह से गंडदेव जैसे सोचा, इस तरह से सारे अगर भारत के राज शासक सोचते ना, तो ये कभी नहीं आ पाते अपने, ना मोहम्मद गौरी आ पाता, ना महमूद गजनी भी आता, ना बाबर आ सकता था, ना मुगल काल आता, और अपना भारत कई और होता आज, पर इन्होंने एकता नहीं अपनाई थी, इसलिए अपना भारत आगे नहीं बढ़ पाया था। तो देखो गंडदेव था, आनंदपाल की सहायता करी किसने, आनंदपाल की सहायता किसने करी थी, गंडदेव, बस इसका इतना ही मिलता है, ठीक है ना। जो लास्ट शासक देख लेते हैं अपन, लास्ट शासक था इसका परमादी देव, ठीक है, चंदेल वंश का लास्ट शासक, चंदेल वंश का, चंदेल वंश का जो लास्ट शासक है, चंदेल वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था, वो था परमादी देव, परमादी देव लास्ट शासक था, बस इतना ही है, ठीक है। इसमें इसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, एक तो यशोवर्धन, यशोवर्मन और दंग देव के बारे में, ठीक है, इसका आप अच्छे से देख लेना, इसी में आएगा। और खजुराहो को इसने राजधानी बनाई थी, ये देख लेना, जल समाधि ली थी प्रयाग के अंदर, प्रयागराज के अंदर जल समाधि ली थी, ठीक है, आ गया समझ में आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें,
और मैंने कोशिश करी इसको स्टोरी के पढ़ा, स्टोरी से समान समझाया मैंने आपको, ट्रिक से समझाया आपको, तो ट्रिक समेत याद करना आपको, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। चार ऑप्शन हो आपको ट्रिक याद आ जाएगी और आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।